बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एक्सक्रीशन के टॉपिक और टाइप्स ऑफ वेस्ट मटेरियल एज वेल एज किडनी में इट अ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कौन कौन से एमसीक्यूज आ सकते हैं या डिफरेंट बोर्ड्स के हवाले से पेपर में आपके, तो इसमें इट अ पॉइंट ऑफ व्यू से या जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो आप नोट कर लें कि वेस्ट मटेरियल जो है वो हमारे पास कौन से माइक्रो मॉलिक्यूल से बनते हैं जिसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल हैं। तो उसमें से चारों रिस्पॉन्सिबल हैं, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लियोटाइड और कार्बोहाइड्रेट। दीज आर द प्रीकर्सर ऑफ ऑल द वेस्ट मटेरियल्स। तो ये चारों इसमें शामिल हैं। फिर आगे एमसीक्यूज आपके लिए आ सकता है कि प्रोटीन के लिए, प्रोटीन जो है एज अ वेस्ट मटेरियल क्यों काम करता है, क्योंकि इसमें जो एमाइन ग्रुप है वो एमाइन ग्रुप जो है आगे एमोनिया या यूरिया के लिए का सबब बनता है। तो इसी वजह से प्रोटीन जो है एक्ट एज अ प्रीकर्सर फॉर द एमोनिया एंड यूरिया। इसके अलावा इसमें एमसीक्यूज इस तरह भी आ सकता है कि न्यूक्लियोटाइड, सॉरी जो यूरिक एसिड है, यूरिक एसिड इसका प्रीकर्सर वो क्या चीज़ है, तो वो प्यूरिन और पायरिमाइडीन है, ठीक है, यानी न्यूक्लिक एसिड है और न्यूक्लिक एसिड में खास तौर पर प्यूरिन है, ठीक है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट जो है आपके लिए वो वेस्ट मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के लिहाज से हो सकती हैं। इसके अलावा जो है पीएच लेवल, ये सारे के सारे क्यों हमारे लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, वो उसकी एक बुनियादी वजह है एमसीक्यूज में आ सकता है, वो ये है कि इट डिक्रीज द पीएच लेवल, ठीक है। अगर कोई वेस्ट मटेरियल जो है वो एसिडिक इन नेचर है तो इट डिक्रीज द पीएच, अगर बेसिक इन नेचर है तो इट इंक्रीज द पीएच। तो ये इस तरह भी एमसीक्यूज आ सकता है। इसके अलावा अब वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने के लिए कौन से आर्गन जो है हमारे बॉडी में मौजूद हैं, तो स्टूडेंट याद रखें हमारे बॉडी में चार किस्म के आर्गन हैं जो वेस्ट मटेरियल के तौर पर रिमूव करने के लिए काम करते हैं। तो वो चार जो है स्कैन, लंग, लीवर और किडनी है, ठीक है। इसमें जो प्राइमरी है या जो वाइटल रोल है वो फिर किडनी का है। इस तरह भी एमसीक्यूज आ सकता है और चारों के लिहाज से भी एमसीक्यूज आ सकता है, ठीक है। एक एमसीक्यूज इस तरह भी आ सकता है कि ये जो एमोनिया अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, एमोनिया जो हाईली टॉक्सिक इन नेचर है, वो ये भी आ सकता है कि एन विच वन ऑफ दिस इज मोस्ट टॉक्सिक इन नेचर। तो एमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड एंड ऑल ऑफ दिस, तो इसमें कौन सा है, वो है एमोनिया। अब एमोनिया बनता कहां पर है, इट कन्वर्ट इन टू द यूरिया इन ह्यूमन बॉडी बाई विच आर्गन, तो उसमें जो आर्गन इन्वॉल्व है वो है लीवर। अच्छा, अब ये एमोनिया जो है और इसको जो एक्सक्रीट करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको कहते हैं एमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म। और इसकी वैल्यूज भी याद रखें कि 1 ग्राम को 500 ml वाटर जो है वो एक्सक्रीट कर सकते हैं। और तीसरी बात ये है कि ये जब भी वाटर में सॉल्युबल हो जाती हैं तो फिर इसकी टॉक्सिसिटी खत्म हो जाती है, ठीक है। वाटर सिक में सॉल्युबल ना हो तो टॉक्सिक है, वाटर की सॉल्युबिलिटी जब इसमें हो जाए, वाटर सॉल्युबिलिटी हो जाए तो ये डाइल्यूट फॉर्म हो बन जाता है, तो डाइल्यूट फॉर्म में ये फिर टॉक्सिसिटी इसकी कम हो जाती है। तो इसी वजह से ये एक्विटिक ऑर्गेनिज्म में आमतौर पर पाए जाते हैं। और इसके अलावा इसके लिए ये आमतौर पर सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से, कुछ ऑर्गेनिज्म में डिफ्यूजन के प्रोसेस से रिमूव होते हैं। और सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस में आमतौर पर कौन से ऑर्गेनिज्म, जो पैरामेशियम या अमेबा है, और इसके लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म, कौन सा ऑर्गन, कंट्रेक्टाइल वीक्यूल। तो कंट्रेक्टाइल वीक्यूल इज एक्टिंग एज अ यूनिसेलुलर प्रोटोजोन, इज एक्टिंग एज अ होम्योस्टेटिक ऑर्गन या होम्योस्टेटिक स्ट्रक्चर इन द यूनिसेलुलर प्रोटोजोन्स। तो इस तरह भी आपके लिए एमसीक्यूज आ सकता है। अब आगे एक और एमसीक्यूज है कि जब भी एमोनिया जो है जब यूरिया में कन्वर्ट होता है तो वो लीवर में होता है। अब नेक्स्ट जो एमसीक्यूज वो इस तरह आ सकता है कि एमोनिया जो है वो जब लीवर में कन्वर्ट होता है, यूरिया में कन्वर्ट होता है, तो लीवर में कितने एमोनिया मिलकर यूरिया में कन्वर्ट होते हैं, तो आमतौर पर 2 एमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर यूरिया में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। 2 एमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ये मिलकर यूरिया में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब यूरिया का जो साइकिल है इट इज आल्सो नोन एज अर्निथिन साइकिल, यूरिया इटसेल्फ इज आल्सो नोन एज कार्बामाइड। और यूरिया जो है ये 5 स्टेप्स इन्वॉल्व है इसमें, और इसमें 2-3 स्टेप जो है माइटोकांड्रिया में होते हैं केमेट्रिक्स में, और कई कुछ स्टेप जो है वो इसमें साइटोसोल में होते हैं। तो 5 स्टेप जो है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि 2 एमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर सिट्रुलिन बनाते हैं। सिट्रुलिन आगे माइटोकांड्रिया के अंदर, ठीक है, माइटोकांड्रिया के अंदर ऑलरेडी अर्निथिन मौजूद होता है, अर्निथिन के साथ मिलकर अर्जिनिन सक्सिनेट बनाते हैं, अर्जिनिन सक्सिनेट से आगे अर्जिनिन बन जाते हैं, अर्जिनिन से यूरिया निकल जाता है, देन अर्जिनिन इज कन्वर्टेड इनटू अर्निथिन अगेन, एंड देन अर्निथिन इज अगेन अवेलेबल फॉर द
एमोनिया प्रोसेस। तो इस तरीके से, और इसकी वैल्यूज भी याद रखें कि यूरिया के लिए 50 ml होना चाहिए, और वो जो ऑर्गेनिज्म रिस्पांसिबल है उसमें है यूरियो टेलिक ऑर्गेनिज्म, ये भी सॉल्युबल इन वाटर है। जबकि इन दोनों के मुकाबले में एमसीक्यूज इस तरह भी आ सकता है कि एमोनिया और ये, चूंकि यहां पर हम यूरिक एसिड मैंने मिटाया है, तो यूरिक एसिड जो है ये नॉन सॉल्युबल इन वाटर है, जबकि एमोनिया और यूरिया जो है ये सॉल्युबल इन वाटर है, और दिस इज लीस्ट टॉक्सिक, सबसे कम टॉक्सिक हैं, जबकि बकाये जो है फिर भी टॉक्सिक हैं। अब सवाल आता है कि यूरिक एसिड जो है ये कौन से ऑर्गेनिज्म, जितनी भी आर्थ्रोपोड्स हैं, जितनी भी कीड़े मकोड़े हैं, ये सारे के सारे यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। एक दूसरी बात, जितनी भी बर्ड्स हैं वो सारे के सारे यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं, जितनी भी रेप्टाइल्स हैं, क्रोकोडाइल हैं, टर्टल हैं, टर्टाइज हैं, ठीक है, ये जितनी भी हैं, एलिगेटर हैं, ये सारे के सारे यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। इसके अलावा कॉकरोचेस, ये भी यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। अगर मैं यूरिया की बात करूं तो ह्यूमन जो है ये यूरिया के फॉर्म में मेन एक्सक्रीटरी मटेरियल जो है वो हमारे बॉडी में यूरिया है। वो जो एमोनिया है, एमोनिया जितनी भी आपने क्लास 9th में पोरेफ्रा सेलेंट्रेटा ये जितनी भी आपने पढ़े थे, फाइलम पोरेफ्रा से लेकर फाइलम एकाइनोडर्म तक, ठीक है, सिवाय आर्थ्रोपोड के सारे जितनी भी एनवर्टिब्रेट्स एनिमल थे, मेरीन एनिमल्स थे, ये सारे के सारे एमोनिया को रिलीज करते हैं, ठीक है। और एमोनिया को किस तरह रिलीज करते हैं, उसके लिए स्पेशल आर्गन है। जैसे प्लेटी हेलमेंथस में कौन सा ऑर्गेनिज्म है, प्लेनेरिया, तो प्लेनेरिया के लिए जो स्पेशल आर्गन है उसका नाम है फ्लेम सेल। तो फ्लेम सेल बाई द प्रोसेस बाई द आर्गन ऑफ फ्लेम सेल एमोनिया इज रिलीज। इसी तरह अर्थवरम किस में है, फाइलम एनिलिडा में। अब फाइलम एनिलिडा में अर्थवरम जो है इट आल्सो एक्सक्रीट एमोनिया, ठीक है, ये भी एमोनिया को रिलीज करते हैं। उसके लिए उसमें निफ्रिडियम मौजूद होता है। और यूरिक एसिड जो है आमतौर पर जब रिलीज किए जाते हैं किस में, आर्थ्रोपोड्स में, तो जो आर्गन इन्वॉल्व है उसमें है मल्फीजियन ट्यूब्यूल, और इसमें प्रीन ग्लैंड, सूर्या ग्रीन ग्लैंड भी है, ये भी रिस्पॉन्सिबल है टू एक्सक्रीट द यूरिक एसिड। अब मल्फीजियन ट्यूब्यूल जो है ये मिड गट से यूरिक एसिड जो है ये एक्सक्रीट करते हैं, और नॉन सॉल्युबल इन वाटर होता है तो इस फॉर्म में इसको एक्सक्रीट करते हैं। अब आते हैं किडनी की जानिब। तो किडनी जो है ये जितनी भी मैंने आपके सामने ये लिखे हुए हैं ये सारे के सारे एमसीक्यूज हैं, ठीक है, ये सारे के सारे शेप के लिहाज से, कलर के लिहाज से, ये पोजीशन जरूर याद रखें कि अगर आप इस पोजीशन समझना चाहते हैं तो ये थोरेसिक वर्टिब्राई के 12th नंबर से लेकर लंबर वर्टिब्राई के 3rd लंबर वर्टिब्राई तक, तो यहाँ पर इसके सारे इसकी पोजिशन है। इसमें जो आर्टरीज हैं रेनल आर्टरी और रेनल वेन, हाँ इसमें एमसीक्यूज इस तरह आ सकता है कि रेनल आर्टरी कंफ्यूजिंग के लिए कि कितने रेनल वेन हैं, तो स्टूडेंट याद रखें एक रेनल वेन है और एक रेनल आर्टरी है। अब इसमें एक और एमसीक्यूज अजीब किस्म का एमसीक्यूज इस तरह आ सकता है कि किस में यूरिया का लेवल सबसे कम होगा, ठीक है, तो यूरिया का लेवल जो है वो वेन में कम होगा। क्यों, क्योंकि वेन, अब यू ने समझे कि इसमें गंदा खून है, बेशक गंदा खून तो है लेकिन ये लेकर आने वाला है, ये लेकर जाने वाला है, तो जाने वाले की सफाई हो चुकी है, तो इस लिहाज से यूरिया का लेवल जो है सबसे कम इसमें होगा। स्टूडेंट मैं अगर आपको बताऊं यूरिया का लेवल हमारे बॉडी में कितना है, क्लिनिकली जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो क्लिनिकली जब हम टेस्ट करते हैं तो इसको कहते हैं BUN का मतलब ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। तो हमारा ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो है वो 20 g/dL है, ठीक है, यानी पर 100 ml जो है हमारे बॉडी के अंदर इतना यूरिया होता है। तो ये यूरिया का लिटिल बिट इंक्रीज और डिक्रीज हो तो इट शोज द मल फंक्शनिंग ऑफ किडनी। आगे जो है अगर इसकी ब्लड सप्लाई की बात करें तो ये भी इंतहाई अहम MCQs हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs, 1200 ml, तो 1200 ml जो है तकरीबन 20% बनता है, और ये दो MCQs याद रखें। और तीसरा MCQs जो है दिस इज द सेकेंड ऑर्गन आफ्टर द लीवर दैट रिसीव मोस्ट ऑफ द ब्लड ऑफ द कार्डियक आउटपुट, ठीक है, और सबसे ज्यादा जो है वो लीवर 1500 ml रिसीव करता है। इसके अलावा लेंथ वेट और हाई थिकनेस के लिहाज से भी याद रखें, वेट भी याद रखें, हाँ मेम्ब्रेन बहुत जरूरी है, मेम्ब्रेन जो है ठीक ठाक याद रखें। इसके अलावा कौन सी ऊपर नीचे है, लेफ्ट जो है ये ऊपर है और राइट जो है नीचे है। क्यों राइट नीचे है, वो इसी वजह से राइट नीचे है क्योंकि ऊपर हेपेटिक लोब है, ठीक है, और कौन सा हेपेटिक लोब, जो बिग हेपेटिक लोब है, लार्ज हेपेटिक लोब है। इसके बाद जो है प्रोटेक्शन इसकी कौन से रिब्स के जरिए हुई है, तो प्रोटेक्शन के हवाले से याद रखें कि 11th
आवर 12th रिब नंबर, ठीक है, इस लिहाज से इसकी प्रोटेक्शन हुई है। फिर उसके बाद जो है, अगर मैं आपको इस लिहाज से बताऊं कि ये यूरिनरी ब्लेडर जो है, इसमें एक और एमसीक्यूजी भी आ सकता है, मैं शॉर्ट कर देता हूं, वो इस तरह है कि इसमें जो जब भी यूरिनरी ब्लेडर में यूरिन जमा हो जाते हैं तो यूरिन का जो कलर है ये कौन सा कलर होता है, ये एरोमेटिक कलर होता है, एरोमेटिक स्मेल होता है, ठीक है, एरोमेटिक स्मेल, ठीक है। जब ये पुराना हो जाता है तो फिर ये सख्त हो जाता है, तो ये सख्त क्यों हो जाता है, इसका स्मेल हो जाता है। जब आमतौर पर सर्दी के मौसम में हम आम पेशाब भी जब करते हैं तो रातें चूंकि लंबी होती हैं, तो जब हम सुबह के वक्त पेशाब करते हैं तो उससे काफ़ी सख्त स्मेल आता है। तो ये सख्त स्मेल क्यों आता है, ड्यू टू द डीकम्पोजिशन ऑफ प्रोसेस, डीकम्पोजिशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोसेस, ठीक है, बैक्टीरियल प्रोसेस के डीकम्पोजिशन की वजह से इसका स्मेल होता है। लेकिन जब फ्रेश होता है ये होता है एरोमेटिक स्मेल, फ्रेश एरोमेटिक कलर होता है। अब इसका जो कलर है ये क्यों है, कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू द यूरोक्रोम, ठीक है, ये अपने साथ नोट कर ले। और इसके अलावा पायरामिड नंबर्स कितने हैं, तो पायरामिड नंबर जो है मैं आपको बता चुका हूं तकरीबन 5 से लेकर 15 तक। एक और दो एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है इस हवाले से, वो ये है कि ये जो यूरेटर है ये जब किडनी में खुलता है, द ओपनिंग ऑफ यूरेटर इन टू द किडनी, दिस पार्ट या दिस पोजिशन इज नोन एज हाइलम, ठीक है। अब ये एमसीक्यूज इसका इनवर्स कर ले, द ओपनिंग ऑफ मेडुला, ये जो मेडुला चूंकि सारा रीजन है, द ओपनिंग ऑफ मेडुला इन टू द यूरेटर, जब इस तरफ से किया जाता है तो फिर ये शुमार किया जाता है, इस जगह को कहा जाता है पेल्विस, ठीक है। तो द ओपनिंग ऑफ मेडुला इन टू द यूरेटर इज नोन एज पेल्विस, वाइल द ओपनिंग ऑफ यूरेटर इन टू द मेडुला आर इन टू द किडनी, दिस इज नोन एज हाइलम, ठीक है। तो ये मसल्स कौन से हैं, चाहे यूरेटर हो, चाहे यूरिनरी ब्लेडर हो, चाहे यूरेथ्रा हो, ये तीनों की तीनों मस्कुलर इन नेचर हैं। कौन से मसल हैं, स्मूथ मसल हैं, और स्मूथ मसल हमारे मर्जी के मुताबिक नहीं होते, तो इसी वजह से छोटे बच्चे खुद पेशाब कर सकते हैं, ठीक है, वो मस्जिद में भी पेशाब कर लेते हैं, वो जो है ना शादी हाल में भी पेशाब करते हैं, तो वो हर जगह पर पेशाब करते हैं। लेकिन ये स्मूथ मसल जो है ड्यू टू द एक्सपीरियंस से वो क्या हो जाते हैं, वॉलंटरी एक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसा बंदा हो कि एडल्ट है लेकिन उसका जो स्पिंचर मसल है, कौन सा वाला, एक्सटीरियर, ये अगर फेल हो गया टू कंट्रोल द यूरिन, अगर बड़ा बंदा है उसका पेशाब कंट्रोल नहीं हो रहा, तो उसके साथ क्या किया जा सकता है, इसके लिए हमारे बॉडी में अल्लाह पाक ने स्पेयर पार्ट रखा है। वो कौन सा स्पेयर पार्ट है, वो है अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स को रिमूव करके इसकी जगह पर लगाया जाता है, तो ये काम करता है हमारे बॉडी में एज अ स्पेयर पार्ट, और ये एक एक्सटर्नल स्पिंचर मसल की तरह काम करता है। आपको ये भी बताता चलूं कि सिर्फ इधर स्पिंचर मसल नहीं है, बल्कि स्पिंचर मसल यूरेटर के यूरिनरी ब्लेडर में खोलने के वक्त भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा इट अ पॉइंट ऑफ एमसीक्यूज, उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट्स और जवाब दीजिएगा।